शांति 2 अक्टूबर 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वह चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाएं। बाप है पतित पावन। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है, फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देह अभिमान, काम क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं अब जज करो। हरेक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है, नाम ही है डेटी वर्ल्ड। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो, इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है?
हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गई हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सोझरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तीक तीक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं, योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं।
वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना? ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर तीन को अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती, क्योंकि सब सदगति में हैं। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं, मैं यह टेम्परेरी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है, कहते हैं 60 लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है, सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिर कर आए हो, मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मोल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है, एक सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, यह तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान हैं? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना? मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको भी पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम को नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य, यह समझने की बातें हैं। यह तो है बाबा, बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी कृष्ण को लव से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हो। कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते ही हैं, मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती, कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है
पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों की और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है, हरेक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना? 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आई। यहाँ कितने अपरम अपार दुख हैं। कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नर्क। बिल्कुल छी छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाएं तो हम पुण्य आत्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना है। 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत। यह महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि होगी ही नहीं। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, रुद्र माला कहती है ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रसम रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशियस वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशियस समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब हैं पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असुल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए ही तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावे, उनसे कैसे मिले, तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। परंतु बाप कहते हैं
मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं, यह 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, यह है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। देवताओं की भी बात नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। यहाँ तो अथा दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराए राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुगी पुरानी दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। यह भी किसको पता नहीं है। सन्यासी कह देते, यह आपकी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़े ही आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं। जानी जानन हार अर्थार्थ नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ
सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। वरदान, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिकर नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। स्लोगन, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.